मुंगल में देर रात किराने व्यापारी की गोली मारकर हत्या से इलाके में फैली सनसनी। ब्याज का पैसा न देने पर दबंगों ने दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर मोहल्ले में दबंगों ने खुलेआम अपना आतंक बरपाया है, जिसमें एक व्यापारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल मामला ब्याज का पैसा न देने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार मृतक अभिषेक अग्रवाल ने अपने ही पड़ोस के नवीन कुमार व प्रवीण कुमार से ब्याज पर पैसा उधार लिया था, पर आर्थिक तंगी के चलते मृतक अभिषेक अग्रवाल वह पैसा नहीं लौटा पा रहा था, जिसको लेकर आए दिन आरोपी नवीन कुमार व प्रवीण कुमार अभिषेक पर ब्याज देने का दबाव बना रहे थे। समय लगभग 10 बजे आरोपी प्रवीण व नवीन ने अभिषेक के घर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अभिषेक अग्रवाल को गोली लगी। अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। वही जानकारी होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को समझते हुए कई थानों की फोर्स के साथ साथ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। उधर मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। क्या यह इसमें पूरा मामला क्या है, क्या कार्रवाई की गई? थाना चंदौसी के अंतर्गत ये विकास नगर मोहल्ले में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि अभिषेक अग्रवाल इनका गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जरूरी छानबीन की गई तो ये पता लगा कि इनके घर के ठीक सामने रहने वाले नवीन और प्रवीण, इन दोनों से इनका पैसे को लेकर कुछ विवाद था, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने गोली मारकर इनकी हत्या की है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। FIR लिखकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धन्यवाद।